श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, हर हर महादेव। एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव महापुराण में। दोस्तों, कभी कभी हमारे साथ ऐसा कुछ होने लगता है जिंदगी में, अचानक से आकस्मिक दुर्घटनाएं घटने लगती है परिवार के सदस्यों के साथ, या लक्ष्मी का आगमन अचानक से कम होने लगता है, बंद हो जाता है। यदि नौकरी अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, एकदम कुछ अचानक से कुछ हुआ, आकस्मिक कुछ हुआ और नौकरी छूट गई, या व्यवसाय चलते चलते मंदा पड़ गया, कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता है जो हमें लगता है कि ये क्या हो रहा है। हम सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं, कुछ नहीं, हम परेशान होते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। इस समय हो सकता है आपसे कुछ पूजन में ऐसी गलती हुई हो। आप पूजन तो करते हैं बहुत ही श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अनजाने में हमसे कोई भूल हो जाती है। हमारे कुल देवता जो जिन्हें हमें अवश्य और हमेशा याद रखना है, हम कभी अनजाने में उन्हें याद नहीं कर पाते, भूल जाते हैं। कुछ ऐसे समय पर जब हमें उन्हें याद करना अवश्य होता है और हम भूल जाते हैं उन्हें, तो यह दोष हमें लग जाता है। वो इस छोटी सी अनजानी गलती का हमें परिणाम भोगना पड़ता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी पीढ़ियों में किसी से गलती हुई हो, उन्हें बराबर हमारे कुल देवता का पूजन नहीं किया हो, कुल देवता के पूजन में उनसे कोई चूक हो गई हो, या कभी कभी किसी किसी से कोई कोई हमारे पास आके यह भी कहता है कि हमें तो मालूम ही नहीं है कि हमारे कुल देवता कौन है, हम कैसे मालूम करें, हम कैसे उनका पूजन करें, हम कहीं उनके कोप के भाजन तो नहीं बनेंगे। तो यह सब बातें हमको अनजाने में ही डराती हैं और कभी कभी हमारे साथ अनिष्ट भी होते हैं। इन सब बातों के लिए, इन सब गलतियों के लिए जो हमसे अनजाने में हुई है, हम एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। इससे हमारी जो भी अनजाने में हुई गलतियों का हम अनिष्ट भोग रहे हैं, फल भोग रहे हैं, वह सब दूर हो जाएगा। इसके लिए आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से एक उपाय बताने जा रही हूँ। आप यह उपाय अवश्य करें। इससे आपके जीवन में जो भी खलबली मची हुई है, जो भी समस्याएं आई हुई है, कुछ भी लक्ष्मी संबंधी, धन संबंधी, या बीमारी संबंधी, रोग संबंधी जो भी समस्या है, आपकी इस उपाय से दूर हो जाएगी। आप अमावस्या की शाम को, अभी दीपावली आ रही है, आप इस पर भी कर सकते हैं। आप दीपावली की शाम को 7 बजे से पूर्व, 6 से 7 बजे के समय आप एक प्लेट ले लें। यदि वह मिट्टी की है तो बहुत ही उत्तम है। प्लेट नहीं मिले तो छोटी सी हांडी, जो करवा होता है वैसी छोटा सा हांडी या दीपक, बड़ा वाला दीपक साइज का होता है, आप वह ले लें। उसमें आप 4-5 पत्ते नीम के, कड़वी नीम के पत्ते ले लें। कड़वी नीम को माता का प्रतिरूप कहा जाता है। माँ, जब भी माँ की पूजन की जाती है, हम शीतला माता का पूजन करने जाते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा, या किसी को माता जी निकल जाती हैं तो हम क्यों नीम का वो अपने घर के आगे टांगने का बोलते हैं, लगाने का बोलते हैं। नीम की पत्तियां माँ को समर्पित होती हैं, साथ ही बिलपत्र। बिलपत्र तो सभी जानते हैं, भगवान शिव बिलपत्र से अति प्रसन्न होते हैं। और तुलसी माँ, तुलसी की 4-5 पत्तियाँ, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय होती हैं। आप मान लीजिए तीनों तरह की पत्तियाँ आप रख रहे हैं उस बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में, चाहे वो दीपक हो, करवा हो, या मिट्टी की प्लेट हो, तो आपने तीनों को समाहित कर दिया उसमें। शिव, माँ काली और विष्णु, इन तीनों को
आपने उसमें विराजमान कर दिया। आप उसके बाद एक दीपक लें, उसमें तिल का तेल, आप तिल का तेल ही डालना है आपको, तिल का तेल डाल लें और लंबी बाती लगा लें और दीपक प्रज्वलित कर दें। आपको शाम के समय से दीपक प्रज्वलित करना है। आप जब ये दीपक प्रज्वलित करते हैं उसके बाद थोड़ी देर आप उस जलते दीपक के समक्ष विनती करें, अपनी जो भी गलती हुई है, अनजानी गलती, उसके लिए माफ़ी मांगें, और जो भी आपके यहाँ अनिष्ट हो रहा है या जो भी समस्याएं आ रही हैं उसके लिए प्रभु से विनती करें कि भगवान हमारी ये समस्याएं दूर करो। उसमें शिव का रूप भी है, माँ का रूप भी है और साथ ही विष्णु जी का रूप भी है। ये तीनों देवी देवता का स्वरूप समाया हुआ है। आप उस दीपक के समक्ष जब विनती करेंगे, आप कहेंगे, वह प्रभु अवश्य सुनेंगे आपकी। आप जब तक वह दीपक का तेल समाप्त ना हो जाए, उस दीपक को प्रज्वलित रहने दें। बाद में रात्रि की समय उसे वहीं रखा रहने दें। आपने यह है अपने मंदिर के सामने दीपक प्रज्वलित करके रखना है। जब आप सुबह के समय, रात्रि के समय वहीं रखा रहने दें, सुबह आप 12 बजे से पहले किसी भी समय आप इसे बहते जल में, चाहे वह नदी हो, बावड़ी, जो भी कुछ है, बस बहता हुआ जल होना चाहिए, उसमें समाहित कर दें। आपको ऐसा 3 अमावस्या करना है। जरूरी नहीं है कि ये दीपावली की अमावस्या से ही शुरू किया जाए। आप किसी भी अमावस्या से शुरू करके वो 3 अमावस्या को आपको करना है। आप ऐसा करके देखें, आपको लगता है कि आपको आपके कोई कुल देवता के का कोप है आप पर, या आपके कोई परिवार में ऐसी किसी से गलती हुई है जिसका आपको भाजन बनना पड़ रहा है, तो आप उस दोष से मुक्त हो जाएंगे और प्रभु आपकी वह गलती माफ़ कर देंगे। आप अवश्य उपाय करके देखें। आप देखना, जो भी कुछ आपके जीवन में गलत घटित हो रहा है वह धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा आप पर और आपके पूरे परिवार पर। प्रभु भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। हाँ, मैं एक बात के लिए और आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ। आप लोग कमेंट्स में बता रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, आपको जो भी फायदा हो रहा है ये इन उपायों के द्वारा, आप उपाय करने के बाद जो फायदा हो रहा है उसका आप कमेंट्स करके धन्यवाद दे रहे हैं। मेरे तरफ से भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं वो मेरा मनोबल बढ़ाते हैं। आप लोगों पर ऐसे ही भगवान भोलेनाथ की और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। पुनः एक बार दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं।